हमारी तो तारीख बहादुरी की तारीख है, हमारी तारीख शहसवारी की तारीख है। हम पापों में भी कभी शिकवे करने वाले न रहे, हम जख्म खाकर भी बातिल को बर्दाश्त करने वाले न रहे। हमने तलवारें खाई हैं, लेकिन शकस का इकरार नहीं किया है। हमने बातिल के सामने सर कटवाए हैं, लेकिन सर झुकाया नहीं। यह हमारी ताबनाक तारीख है। जो लोग रास्तों पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के मातमी परचम निकालकर इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए। कभी कभी देखता हूं तो तरस आ जाता है मुझे उन छोटे बच्चों के ऊपर कि जाओ, तुम्हारी तरबियत हुई होती, तुम्हारे माँ बाप ने रोका होता तो ये कागज के भूत लेकर तुम इस्लाम को रोड के ऊपर रुसवा न करते। जिंदगी बनाने वाला दीन दिया तुम्हें, रास्तों पर रुसवा होने वाला नहीं। तुम रोड शो के जरिए से इस्लाम नहीं बता सकते, तुमको अपनी जिंदगी में दीन उतारना है। सरकार ने लोगों को मुतवज्जे किया अपनी सीरत के जरिए से। कोई तारीख में आपको जुलूस नजर नहीं आएगा, ये दूसरों की तारीख है, ये गैरों का तरीका है, ये भूले हुओं को याद करने का बदनाम तरीका है। मुसलमान तो याद करता है ना, तो जब वो शहादत की बात करता है तो शहादत के लिए तैयार भी होता है। जो लोग बात शहादत की करें और नमाज के लिए तैयार ना हो, शहादत क्या है? एक जगह एक साहब ने फोन किया मुझे कि आप हमको ये जिहाद की इजाजत कब देते हैं। मैंने कहा फजर की नमाज पढ़ता है? तो कहते जुम्मा के दिन पढ़ता। मैंने कहा जो बेचारा नमाज के लिए नींद की कुर्बानी नहीं दे सकता, वो दीन के लिए गले की कुर्बानी देगा क्या? अरे भाई, जिनको कुर्बान करना होता है ना, उनको जान कुर्बान करना तो पीछे सोचना है कि बच्चों की लंगार भी चल रही है, बच्चों का मामला भी है, बीवी अलग रोने वाली भी है, खानदान भी है, कुंबा भी है, दो की शादी तय है, तीन की होने वाली है, आगे कारोबार भी है। सब सोचे बगैर सहाबा मैदान में उतरे और गला कटवा कर दुनिया को बताया कुर्बानी इसको कहते हैं, बातें करने को नहीं कहते। उनके पास काम था, हमारे पास बातें।